हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पिगमेंट्स देखेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ग्रीन प्लांट्स में हम लोग ग्रीन पार्ट्स जो देखते हैं लीफ का, उसमें कोई सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं होता, वो चार पिगमेंट के कारण वो कलर दिखता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग को पता चलता है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जो कि क्रोमेटोग्राम में देखा गया था। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जैंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। और ये क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और मेन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए है। अभी एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, वो देखते हैं। ये सबसे ऊपर जो जा रहा है क्लोरोफिल बी को डिनोट कर रहा है, ये बीच वाला जो है दो पीक दिख रहा है इसका, तो कैरोटीनॉइड्स है और ये क्लोरोफिल ए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल से याद रखना है कि क्लोरोफिल ए में ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी में येलो ग्रीन, जैंथोफिल में येलो, कैरोटीनॉइड्स में येलो टू येलो ऑरेंज। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम याद रखना है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स का। सिंपल सा हमारा टॉपिक था पिगमेंट्स जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।